क्लास फिफ्थ चैप्टर फाइव फ्रैक्शंस। नाउ दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ होल, दिस इज वन होल, यह पूरा दिस इज वन होल, ठीक है। देन नेक्स्ट हाफ, दिस इज वन होल, देन हाफ, ओके। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, इच ऑफ विच इज हाफ और वन अपॉन टू, देन वन थर्ड, वन थर्ड इज होल पार्ट देन डिवाइडेड थ्री पार्ट, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन थ्री। एंड नेक्स्ट वन फोर्थ लाइक क्वार्टर, होल पार्ट एंड डिवाइडेड बाय डिवाइड टू फोर्थ पार्ट, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, देन वन अपॉन फोर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस लाइक वन टू थ्री फोर देन फाइव। लुक एट द गिवन फिगर्स एंड रीड द फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग द शेडेड पार्ट, ठीक है। अब सपोज करो इसका ये पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट कितने आ रहे हैं इसके, फाइव, टोटल पार्ट फाइव और शेडेड पार्ट कितने आ रहे हैं इसके टू, तो इसका फ्रैक्शन हो गया टू अपॉन फाइव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फर्स्ट ऑफ हम लाइक के बारे में देखते हैं। लाइक में क्या बोल रहा है आपको कि जो लाइक फ्रैक्शंस होगा उसमें हमारा सेम डिनोमिनेटर्स होगा, सेम डिनोमिनेटर्स होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर, एट अपॉन फोर, नाइन अपॉन फोर। ये फ्रैक्शंस कैसे कहलाएंगे अपने, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस के क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस के क्या होते हैं, डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शंस के क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, 14 अपॉन 17, 19 अपॉन 12, 9 अपॉन 10, 3 अपॉन 6, 9 अपॉन 7। इस तरीके के फ्रैक्शंस कैसे कहलाएंगे आपके, अनलाइक फ्रैक्शन। इट्स क्लियर, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन वन होल एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मोर देन वन होल। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया आपको कि वो लेस देन होंगे वन होल के, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 9 अपॉन 10, ठीक है, लेस देन आ रहे पूरे वन होल के। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बता रहा है आपको, ये मोर देन होंगे, मोर देन होंगे वन होल के, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 10 अपॉन 9, क्लियर, ये मोर देन आ रहा है और ये लेस देन आ रहा है, ये होता है हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसी में हमारा एक टॉपिक आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस, अ फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शंस, जिसके न्यूमरेटर वन होते हैं। ठीक है, ये लिखा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, जैसे सपोज 2/5, तो 2 तो क्या हुआ हमारा न्यूमरेटर एंड 5 तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर्स। तो अब यूनिट फ्रैक्शंस क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन विच द न्यूमरेटर इज 1, इसके जो फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर होंगे वो 1 होगा, जैसे 1/2 एंड 1/9। ठीक है, 1 आ रहा है आपका न्यूमरेटर, ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे आपके, यूनिट फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, व्हेन अ न्यूमरेटर इज द सेम देन द फ्रैक्शन नंबर दैट हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, व्हेन द न्यूमरेटर इज द सेम, जब आपके न्यूमरेटर सेम होते, ठीक है, तो देन द फ्रैक्शन नंबर दैट इज एज स्मॉलर डिनोमिनेटर्स, और उसके जो डिनोमिनेटर स्मॉल होते हैं वो आपके नंबर होंगे वो लेस देन कहलाएंगे, जैसे 1/2 1/3 से छोटा हुआ वो 1/2 1/3 से बड़ा हुआ है ग्रेटर है, 1/3 1/4 से ग्रेटर है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट है व्हेन इन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे 3/4, 2/4, 1/4, देन अ फ्रैक्शन नंबर हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर। तो इसमें जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो बड़े नंबर कहलाएंगे, जैसे 3/4 ग्रेटर है 2/4 से, और 2/4 ग्रेटर है 1/4 से। क्लियर, इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे आपको एड करने को कहा कि 2/5 एंड 1/5 सपोज, तो 2/5 प्लस 1/5, दोनों में 5 कॉमन है, सो 5, देन 2 प्लस 1, 3/5, ये हो गया हमारा एड। ठीक है, अब अगर इसमें आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, 3 से 1/5 एंड 2 से 1/10, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, प्लस करेंगे 1 और अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 3 15 प्लस 1/5, 15 प्लस 1 16/5। अब इसको करेंगे 2 1/10, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस करेंगे 1/10, 2 10 20 प्लस 1 देन 10 21/10। क्लियर, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 16/5 प्लस 21/10। सो अब आप देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, और 2 से डिवाइड कर लेते, तो 16 2 32, 5 2 10। अब 32/10 प्लस 21/10, सो हमारा एलसीएम 10 आ गया, 32 प्लस 21 इनको ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 3 2 5, 53/10 डिवाइड करेंगे 10, 53 10 5 50, रिमाइंडर आया 3, सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5, जो क्यू आता है हमारा यहाँ आ जाएगा, देन रिमाइंडर ऊपर एंड लास्ट डिविजर, सो ये हो गया हमारा आंसर। अभी जैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में ऐड कर रहा था तो उसके डिनोमेटर हमारा डिफरेंट आ रहा था, इस सिचुएशन में ही कि व्हेन द डिनोमेटर्स आर डिफरेंट, जब आपके डिनोमेटर डिफरेंट हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं डिनोमेटर को सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देते हैं 7/8। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो क्या करें, अगर हम
थ्री अपॉन फाइव को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 8 थ्री जा 24 एंड 8 फाइव जा 40, ठीक है। और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करते हैं, तो 7 फाइव जा 35, 8 फाइव जा 40। हमारे जो डिनोमेटर है वो सेम आ चुका है, ठीक है। यानी हमारे को ऐसी टेबल लेनी है ताकि जो हमारा डिनोमेटर है वो सेम आ जाए। बाकी फिर इसका हम आपको प्लस करना ही है, 35 अपॉन 40, 40 सेम आया, 24 प्लस 35, 24 प्लस 35 करा 59 अपॉन 40, ठीक है। सो हमारा मेन फोकस क्या है कि जो हमारा डिनोमेटर है उसको सेम करने के लिए हमारे को ऐसी टेबल लेनी है और उस टेबल से हमारे को मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी करना है, क्लियर। नाउ हमने ऐड करना सीख लिया है, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, जब डिनोमेटर हमारे पास सेम हो। जब डिनोमेटर हमारे पास सेम हो तो उसका फ्रैक्शन वो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सो 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, नीचे कॉमन आएगा 5, 4 माइनस 2, 2 अपॉन 5, क्लियर। सेम कंडीशन मिक्स्ड फ्रैक्शन में 8 1 अपॉन 6 एंड 10 5 अपॉन 12। सो पहले इसको करेंगे 8 1 अपॉन 6 को 8 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से इसको हम ऐड करते हैं, अपॉन 6, 8 6 जो 48 प्लस 1 अपॉन 6, 49 अपॉन 6, क्लियर। सेकेंड 10 5 अपॉन 12, 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 अपॉन 12, नीचे से पहले मल्टीप्लाई एंड ऐड, तो 12 10 जब 120 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस करा 125 अपॉन 12, क्लियर है। तो अब 125 अपॉन 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49 अपॉन 6 से, ठीक है। बट अब हमारा क्या है, डिनोमेटर आ रहा है डिफरेंट इसका, तो इसके लिए हम इससे डिनोमेटर सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 49 अपॉन 6 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 से 18 कैरी 1, 2 4 जो 8 और 1 9 98 एंड 2 6 जो 12, अब हमारा डिनोमेटर सेम आ गया। सो 125 अपॉन 12 माइनस 98 अपॉन 12, डिनोमेटर सेम है एंड 125 माइनस 98, 125 को 98 से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 27 अपॉन 12, ठीक है। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम और 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम, सो हमारा आंसर कितना आया 9 अपॉन 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, 4 टू ज़ा 8 अपॉन 1, सो हमारा आंसर आएगा 2 1 अपॉन 4, ठीक है। हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था ये क्वेश्चन, हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में, क्लियर।